हेलो स्टूडेंट, टुडे इन आवर कंप्यूटर साइंस पेपर वन स्टैंडर्ड 11 इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस इन आवर थर्ड लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर. इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड द रिलेशनल ऑपरेटर. द एग्जाम्पल फॉर रिलेशनल ऑपरेटर इज 10 लेस देन 20. नाउ दिस लेस देन इज एन operator and these are the operands on which this operator is operated. Now next operator is the logical operator. Now what is the logical operator? The logical operator are those which are used to perform logical operations such as logical and, logical or and logical not. Now we have seen in our paper second chapter and, or and not gate. Similarly this operators are also working like that only. Now for logical AND के लिए हम लोग दो ampersand sign या फिर AND के sign use करते हैं जिससे logical AND ये operation perform होता है. Logical OR अगर मुझे perform करना है तो दो straight lines हम लोग use करते हैं. अगर NOT अगर use करना है तो exclamation mark use करते हैं. हम लोग इसका डेमो देखेंगे किस तरीके से ये ऑपरेटर्स परफॉर्म होते हैं. एक ट्रूथ टेबल है जहाँ पे ऑपरेटर वन अगर नॉन जीरो रहेगा या फिर हम लोग बोलेंगे वन, अगर यहाँ पे ऑपरेटर टू जो है वो नॉन जीरो रहेगा यानी वन रहेगा यानी वन वन, यहाँ पे वन जीरो जीरो वन एंड जीरो जीरो, ये कंडीशंस हैं ऑपरेटर वन एंड ऑपरेटर टू या फिर हम लोग ए एंड बी भी बोल सकते हैं. यहाँ पे अगर हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये सिमिलर एज एन मल्टीप्लीकेशन यूज होता है यानी वन डॉट वन या वन एंडेड वन इज वन, वन इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इंटू वन इज जीरो, जीरो इंटू जीरो इज जीरो. इन दिस वे दिस एंड ऑपरेटर इज यूज, लॉजिकल एंड इज यूज. फॉर और इट इज सिमिलर टू द एडिशन या फिर हम लोग बोलेंगे हाई, और हाई अगर रहेगा तो आउटपुट में हाई आएगा. कोई भी एक आउट इनपुट अगर हाई रहेगा तो आउटपुट हाई होने वाला है. दोनों अगर जीरो रहेंगे तो आउटपुट में जीरो रहेगा. नॉट जो होता है यानी यहाँ पे सपोज हम लोग ने इस ऑपरेटर वन का अगर नॉट अगर यूज़ किया यानी इसका होता है मीनिंग इनवर्स, तो नॉन जीरो अगर रहेगा तो वो जीरो आएगा, जीरो नॉन जीरो अगर रहेगा तो जीरो, अगर जीरो जीरो रहेगा तो वन वन होगा, इसका इनवर्स होता है. इन दिस वे दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स आर परफॉर्म. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द असाइनमेंट ऑपरेटर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है दैट इज कॉल्ड एज एन इज इक्वल टू. ओके, यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू का यूज कंपैरिजन के लिए नहीं करते. यहाँ पे हम लोग उसको कोई भी वेरिएबल को अगर मुझे वैल्यूज असाइन करनी होगी तब हम लोग इसका यूज करते हैं. यहाँ पे इन सी प्लस प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन और कॉन्स्टेंट टू अ वेरिएबल. द असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज विद इन एनी वैलिड एक्सप्रेशन. द यूजुअल असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू. दिस ऑपरेटर इज हैज अ फॉर्म, यहाँ पे जनरल फॉर्म या फिर हम लोग उसको बोलेंगे सिंटेक्स. वेरिएबल नेम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ये जो है ए प्लस बी ये एक एक्सप्रेशन है. जो भी वैल्यू इसकी आउटपुट में आएगी वो किसको असाइन होने वाली है? एक्स को असाइन होगी. ओके, दूसरा एक एग्जाम्पल है एक्स जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी क्या जेड की वैल्यू जीरो ये असाइन हो गई है, यानी जीरो किसको असाइन हुआ है? जेड को. ओके, ये एक फाइनल वेरिएबल फाइनल वैल्यू नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है? 100. ये 100 वैल्यू इसको असाइन हुई है, इसका मीनिंग होता है. ओके, यहाँ पे कुछ टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट भी है. व्हेन वेरिएबल्स ऑफ वन टाइप्स आर मिक्स्ड विथ वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप अ टाइप कन्वर्जन विल ऑकर. यानी सपोज यहाँ पे ये एक्स जो है ये एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, कैरेक्टर सी एच आर, यानी ये कैरेक्टर सी एच जो है ये कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहा है. एफ जो मेरा वेरिएबल है वो फ्लोट वैल्यू स्टोर कर रहा है. सपोज यहाँ पे मैंने सी एच इज इक्वल टू एक्स अगर ये मैंने बता दिया
अगर मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, एक्स की जो इंटीजर वैल्यू है ये फ्लोट वैल्यू को क्या हो गई, असाइन हो गई। यानी इंटीजर टाइप का डेटा ये कैरे फ्लोट टाइप के अंदर क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं फॉर टाइप कन्वर्जन ऑल्सो। नेक्स्ट इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। हम लोग वेरिएबल्स को इनिशियलाइजेशन के लिए भी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सपोज इट इज़ पॉसिबल टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम द वेरिएबल इज डिक्लेयर। दिस हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म, यहाँ पे डेटा टाइप, उसके बाद में वेरिएबल नेम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू। जैसे हम लोग ने देखेंगे कि इंटीजर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी क्या हो गया, इंटीजर टाइप का डेटा है एक्स, एक इंटीजर टाइप का डेटा है जो स्टोर क्या कर रहा है, जीरो, ये कॉन्स्टेंट स्टोर कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का एक एग्जांपल दिया है, कैरेक्टर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू वाई। यानी कैरेक्ट रिस्पॉन्स जो एक वेरिएबल का नेम है जो टाइप कैरेक्टर स्टोर करेगा उसके अंदर स्टोर है, यानी इज इक्वल टू वाई। यानी वाई क्या हो गया, रिस्पॉन्स नाम के मेमोरी लोकेशंस के अंदर वाई क्या हो गया, स्टोर हो गया, या फिर इसको असाइन कर दिया है। फ्लोट रेशो, ये रेशो नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या स्टोर कर दी है, 0.5, ये इसको क्या हो गया, इज असाइन हो गया, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू जीरो। यानी पी क्यू एंड एस की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1.5, यानी 1.5 जेड को भी असाइन हुआ, वाई को भी असाइन हुआ और एक्स को भी असाइन हुआ। इस तरीके से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ शॉर्ट हैंड राइटिंग क्या होता है, इन एडिशन टू यूजुअल असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, सी प्लस प्लस हैज़ द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन द फॉर्म वेरिएबल ऑपरेशन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। सपोज यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स प्लस ओ पी एनी ऑपरेटर इज इक्वल टू वाई प्लस वन। ये हो गया हम लोग का शॉर्ट हैंड राइटिंग, इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन। यानी हम लोग इसका इस तरीके से भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड के अंदर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ए इंटू इज इक्वल टू बी, यानी यहाँ पे देखेंगे तो ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर एडिशन की अगर देखेंगे तो ए प्लस वाई वन, यानी इसी का मीनिंग होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। इसको हम लोग इस तरीके से शॉर्ट हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमें देखना है, दैट इज कॉल्ड एज एन इंक्रीमेंट एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नाउ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है, तो सी प्लस प्लस हैज़ टू यूनरी ऑपरेटर्स कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। दीज आर वेरी यूजफुल ऑपरेटर यूज फॉर एडिंग वन एंड सब्सट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द ऑपरेंड। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज प्लस प्लस विच एड्स वन टू द ऑपरेंड। ओके, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जो हमें यूनरी, यूनरी मीन्स वॉट, जहाँ पे सिंगल ऑपरेंड होता है और सिंगल ऑपरेंड के ऊपर जो ऑपरेटर परफॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। ओके, तो यहाँ पे प्लस प्लस का यूज होता है। जैसे हम लोग प्लस प्लस, अगर एम प्लस प्लस अगर करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, एम की एक से बढ़ेगी। अगर मैं एम माइनस माइनस करता हूँ तो एम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से एक से कम हो जाती है। ओके, यानी अगर मैं m माइनस माइनस अगर लिखूंगा तो यहाँ m इज इक्वल टू m माइनस वन, यानी जो भी वैल्यू रहेगी m की वो माइनस वन से डिक्रीज होगी और वो m को असाइन हो जाएगा। इन दिस वे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड। नेक्स्ट हमें देखना है कि बिटवाइज ऑपरेटर कौन से हैं। बिटवाइज ऑपरेटर मीन्स व्हाट, सिंगल सिंगल बिट के ऊपर जो परफॉर्म होते हैं ऑपरेटर्स, दिस दैट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर कॉल्ड एज एन बिटवाइज ऑपरेटर। वन ऑफ द सी प्लस प्लस पावरफुल फीचर इज द सेट ऑफ बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स। दिस परमिट्स द प्रोग्रामर टू एक्सेस एंड टू मैनिपुलेट इंडिविजुअल बिट्स विद इन पीस ऑफ डेटा। ओके, यानी एक सिंगल पीस के अंदर उसको ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करते हैं।
ये है उसका टिल्ड साइन। टिल्ड साइन हम लोग यूज करते हैं फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट, जैसे हम लोग ने चैप्टर वन में देखा था वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, वैसे ही ये सिंगल वंस कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे टिल्ड साइन यूज होती है जो हम लोग को जो भी हमारे वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर रहेगा वो क्या करेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी जीरो बिकम्स वंस एंड वन बिकम्स जीरो। नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज योर डबल ग्रेटर देन साइन, जो है उसको बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर, यानी जो भी बिट रहेगा सिंगल सिंगल बिट वो क्या करेगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा। दैट इज लेस देन साइन डबल, ये क्या करता है लेफ्ट शिफ्ट करता है, यानी जो भी कुछ राइट हैंड साइड में रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा। बिट वाइज एंड दैट इज माई सिंगल एंड, अगर यूज करेंगे जैसे हम लोग ने लॉजिकल एंड यूज किया था वहाँ पे डबल एंड यूज किया था, यहाँ पे सिंगल एंड होता है, यानी बिट वाइज, यानी सिंगल सिंगल बिट्स के ऊपर या बिट के ऊपर वो परफॉर्म होता है। उसके बाद में लॉजिकल और सिंगल लाइन यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव और दैट इज योर वी टाइप शेप। ओके, इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट का, सपोज यहाँ पे इंटीजर आई इज इक्वल टू जे है, ओके जे की वैल्यू 3 है और आई इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ जे। अभी जे की वैल्यू जो के रहेगी वो 3 रहेगी, यानी अगर मुझे बिट वाइज अगर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो 0000000, ये 16 बिट का नंबर है इसलिए यहाँ पे इतने टाइम्स 0 है और यहाँ पे 1 1 है, दैट इज योर 3। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं और वो स्टोर कहाँ पे करेगा, आई के अंदर वैल्यू को स्टोर करेगा ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी जो भी जीरोज है वो 1 हो जाएंगे और जो 1 1 है वो 0 हो जाएंगे, यानी कन्वर्ट हो जाएंगे। इन दिस वे वी कैन यूज वंस कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू।